हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषेक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग मिडवाइफरी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो 100 क्वेश्चंस है हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए। मिडवाइफरी जो सब्जेक्ट है वो आपके प्रसूति विज्ञान के अंडर आती है और प्रसूति विज्ञान के जो भी पोर्शन है उसके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। सो हम लोग 100 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आइए देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं डिस्कस करने के लिए और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंट्रायूटराइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है। सो इंट्रायूटराइन लाइफ मीन्स प्रेगनेंसी जब होती है, यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है, कौन सा वो स्ट्रक्चर होता है जो माँ के शरीर से सारा पोषण बेबी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लेसेंटा। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर आपका ये बेबी है, फीटस ग्रो कर रहा है और ये जो प्लेसेंटा होती है ये माँ के शरीर से जो भी चाहिए बेबी को वो सब कुछ ये प्लेसेंटा आपके माँ के शरीर से खींच के बेबी के शरीर में पहुंचाती है। सो ऑप्शन ए प्लेसेंटा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है। सो ये इम्प्लांटेशन के बारे में पूछा गया है। इम्प्लांटेशन इसमें क्या होता है, जो आपका जायगोट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवम और स्पर्म कॉम्बिनेशन होके फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट फॉर्मेशन होता है। जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये जायगोट क्या करता है, यूट्रस के अंदर आके किसी भी एक दीवार पे आके चिपक जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं और इस ये चिपकने के बाद यहाँ पे ये ग्रो करने लगता है और बच्चा बनने लगता है, ठीक। तो ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस दिन पूर्ण हो जाता है लिखा है क्वेश्चन आपका। तो ये 11वें दिन पूर्ण हो जाता है, 6th डे से ये स्टार्ट होता है और 11th डे तक ये चलता है, ये इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर, इसलिए 11th डे पे ये पूरा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 11वां दिन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है। तो टर्म यानी फुल टर्म प्रेगनेंसी जब हो जाती है, 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो अपना जो प्लेसेंटा होता है उसका वजन कितना होता है। तो उसका वजन होता है आपका 500 ग्राम, मतलब आधा किलो के करीब उसका वजन रहता है प्लेसेंटा का। और जो शिशु होता है उसका वजन करीबन करीब इसके 6 गुना होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का वजन अगर 1 माना जाए तो शिशु का वजन उसके 6 गुना तक रहता है। तो ये इसका रेशियो है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फीटल ओरिजिन का होता है। सो टर्म जो प्रेगनेंसी होने के बाद 9 महीने को हम लोग टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो ये इसने पूछा है कि प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फीटल ओरिजिन का होता है। सो 5 में से 4 भाग 4/5 पार्ट इसका फीटल ओरिजिन होता है। सो ऑप्शन सी 4/5 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। सो आपकी जो प्लेसेंटा है उसमें ब्लड कितना होता है। सो ब्लड आपका होता है करीबन 500 ml। 500 ml में से 350 ml आपकी रक्त विलाई सिस्टम में होती है और 150 ml रक्त इंटरविलर स्पेस में रहती है, ठीक है। सो ये इस तरह से डिविजन किया गया है, 350 ml प्लस 150 ml, ये आपकी रक्त विलाई सिस्टम में होती है और 150 ml आपकी इंटरविलर स्पेस में पाई जाती है। सो टोटल 500 ml ब्लड आपके प्लेसेंटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंट्रायूटराइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो की दर लगभग कितनी होती है। सो फीटल ब्लड फ्लो किस रेट में होता है, मतलब 1 मिनट में कितना खून आपके फीटस में ये फ्लो होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 400 ml/min। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 1 मिनट में करीबन 400 ml ब्लड आपके बच्चे के बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू, सो प्लेसेंटा से बच्चे के बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट होता है 400 ml/min की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, बैरियर के रूप में काम करना, या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये माता से भ्रूण के शरीर में पोषक तत्व भी पहुंचाता है, खाने पीने की सारी चीजें पहुंचाता है, और हार्मोन भी उत्पन्न करता है, और बैरियर के रूप में भी काम करता है। बैरियर यानी कोई भी नुकसानकारी चीज ये बच्चे के शरीर में नहीं जाने देता है। सो ये प्लेसेंटल बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटल बैरियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सा एंजाइम है जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है तथा एराकिडोनिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? सो ये एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ऑप्शन सी, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम आपका प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, जो कि एराकिडोनिक एसिड बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सो कौन सा कथन असत्य है हम लोग देखेंगे, और क्या क्या बोला गया है देखिए। टर्म पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 मिलीलीटर होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.010 होती है, और टर्म पर इसका रंग सुनहरा होता है। सो आपका ये जो ऑप्शन डी है, टर्म पर इसका रंग सुनहरा होता है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। सो ये गलत कथन असत्य जो है उसको ढूंढना है ना, सो ये ऑप्शन डी आपका गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही है, ठीक। तो यहाँ पे एक फोटो भी दी गई है, देखिए कितना एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, 4 to 8 weeks में 20 ml के करीब रहता है, 20 weeks में 350 ml तक रहता है, 37 वीक्स में 700 से 1000 ml रहता है, 40 वीक्स में ये करीबन करीब 600 ml बच जाता है, ठीक है। तो 600 से 800 ml का रेंज है जो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में आपका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा रहती है। ये एल्कली होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.010 ही होती है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो लास्ट वाला है गोल्डन कलर का ये नहीं होता, ये कौन से कलर का होता है? पेल स्ट्रॉ कलर का होता है, पेल स्ट्रॉ कलर का ये होता है जब आपका टर्म प्रेगनेंसी होता है। तो ये कलर आप भी याद रखिएगा, गोल्डन कलर का नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या लिखा है। सामान्य स्थिति में टर्म पर एमनियोटिक द्रव का रंग क्या होता है? तो ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ऑप्शंस में पेल स्ट्रॉ का लिखा है, पेल स्ट्रॉ कलर का, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। RH incompatibility के दौरान amniotic fluid का रंग क्या होता है? So RH incompatibility क्या होती है पहले ही जानना जरूरी है। अगर माता का ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव हो, RH नेगेटिव हो, और बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, तो वहां पे क्या होता है, RH incompatibility डेवलप करती है, और बच्चे की जो RBCs होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है, बच्चे की जान को भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी वहां पे आपका चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोल्डन कलर। सो अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाए माता और बच्चे में, तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का हो जाता है। गोल्डन कलर का क्यों हो जाता है, हीमोलाइसिस की वजह से। जो ब्लड RBCs वहां पे टूटती हैं, हीमोलाइसिस होता है वहां पे, तो उसमें से बिलीरुबिन रिलीज करता है। ये जो बिलीरुबिन है ये कहाँ जाता है फिर, ये जाके एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है, और बिलीरुबिन सबको पता है कि येलो कलर का होता है बिलीरुबिन, है ना। तो बिलीरुबिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में जाके मिल जाता है, वही इसको गोल्डन कलर का बना देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पोस्ट मैच्योरिटी के दौरान एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। पोस्ट मैच्योरिटी मतलब आपका जो 9 महीने 10 दिन का समय है, अगर वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद भी बच्चा पड़ा रहे उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या हो जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हो जाता है ग्रीनिश येलो, ये चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एमनियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है?
एमनियोटिक द्रव में क्या होता है, ऑप्शंस देखिए, प्रोटीन 0.3 ग्राम परसेंट, लिपिड तथा ग्लूकोज, यूरिया तथा क्रिएटिनिन उपयुक्त सभी। ये सारे ही आपके पदार्थ एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो कलर है आपका पेल स्ट्रॉ कलर का है ये, लेकिन ये सारे कलर्स लाइट ग्रीन, ग्रीन, लाइट ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक, ये जो सारे कलर्स हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, ये आपके एबनॉर्मल कलर्स हैं। तो ये कलर का अगर फ्लूइड आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, ऑप्शंस देखिए, यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, यह तापक्रम को समान बनाए रखता है, यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायता करता है, या ये उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। ये तीनों ही फंक्शन ये करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये शॉक से बचाता है क्योंकि इसके अंदर ये पानी में रहता है ना बच्चा फ्लूइड, वो बाहरी शॉक से बचाता है। अगर कुछ मतलब कुछ आघात लगता है तो उसको भी ये उसके शॉक को एब्सॉर्ब कर लेता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये बच्चे को चोट नहीं लगने देता है और उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और उसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। फ्रीली वो यूट्रस के अंदर बच्चा मूवमेंट कर पाए इसके लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प करता है। सो तीनों ही इसके फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 36 सप्ताह की गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग कितनी होती है। सो फंडल हाइट इसकी कितनी होती है, एंसीफॉर्म कार्टिलेज के लेवल तक फंडल हाइट जाती है इसकी। तो फंडल हाइट क्या होता है, ये जो यूट्रस है, यूट्रस का ये ऊपर का पोर्शन है इसको फंडस बोलते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है यूट्रस भी बड़ा होता जाता है ना, और इसकी ये जो फंडस है ये ऊपर ऊपर होती जाती है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है फंडस की। तो इतना था ये, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, धीरे धीरे हाइट इसकी बढ़ती जाती है। इसी को पूछा जा रहा है यहाँ पे, फंडल हाइट कितना होता है। 36 सप्ताह मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने तक का ये टाइम है। तो ये एंसीफॉर्म कार्टिलेज तक के लेवल तक चला जाता है ये फंडल हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच कितनी होती है। तो योनि की पीएच आपकी एसिडिक होती है, गर्भावस्था में भी ये एसिडिक होती है और नॉर्मली भी योनि का पीएच एसिडिक ही होता है। सो ये आप लोग याद रखिएगा, अम्लीय पीएच इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है ना। तो हम लोग कथन सारे पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का एनलार्जमेंट तथा ग्रोथ हो जाती है, और ऑब्वियसली होता है गर्भावस्था जब होती है तो गर्भाशय की बॉडी बढ़ती है, आपका यूट्रस बड़ा होता जाता है बच्चे के साथ। नेक्स्ट देखिए, टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 ग्राम का होता है। थर्ड ऑप्शन है मल्टीपारा में टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतया एंटीवर्टेड होती है, और फोर्थ ऑप्शन है 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति गोलाकार हो जाती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है उसने पूछा है। टर्म प्रेगनेंसी पे गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम जो दिया है ये सही नहीं है। करीबन करीबन 1 किलो तक का वजन बढ़ जाता है आपके यूट्रस का। 200 से 800 ग्राम ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये नहीं पूछा है ना, तो यही आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, 900 से 1000 ग्राम यानी करीबन करीब 1 kg तक का वजन बढ़ जाता है आपके यूट्रस का। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वजन बढ़ता है वो कहाँ कहाँ बढ़ता है। तो ब्रेस्ट का वजन करीबन 500 से 800 ग्राम तक बढ़ता है, यूट्रस का 1 किलो तक बढ़ता है, प्लेसेंटा का 600 ग्राम, एमनियोटिक फ्लूइड 800 ग्राम, बेबी जो होता है वो 3.3 kg अराउंड होता है वजन उसका, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है करीबन 1 kg 200 ग्राम तक, फैट डिपॉजिट हो जाता है ना, तो 4 kg तक का फैट डिपॉजिट होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 3 kg तक का बढ़ता है। तो टोटल यहाँ पे इतना सारा वजन आपका बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है।
तो बैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में होने वाला संकुचन होता है। तो गर्भाशय का ये संकुचन होता है गर्भाशय के दौरान जो देखा जाता है, नॉर्मली लास्ट ट्राइमेस्टर में ये देखने को मिलता है आपके 7वें, 8वें और 9वें महीने में जो आपका गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनको ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है इसका, तो जो ऑप्शन गलत है वही इसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक संकुचन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन बी देखिए, उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक संकुचन अधिक होते हैं। नेक्स्ट दिया है, ब्रैक्सटन हिक संकुचन बाइमैनुअल परीक्षण से महसूस किए जा सकते हैं या गर्भावस्था के टर्म पर गर्भाशय संकुचन बार बार तथा अधिक तीव्रता से होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन कौन सा गलत है, उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक संकुचन अधिक होते हैं, ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गर्भाशय में ब्रेस्ट में होने वाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होती हैं। तो क्या क्या चेंजेस लिखी हैं, देखिए ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होती है, स्तनाग्र निप्पल बड़े तथा उभरे हुए हो जाते हैं, ब्रेस्ट की वास्कुलरिटी बढ़ जाती है, वास्कुलरिटी मतलब ब्लड सप्लाई, ठीक है, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आपका उपर्युक्त सभी सही आंसर है, ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, आकार भी बढ़ा जाता है और निप्पल भी आपके बाहर निकल आते हैं, क्योंकि बच्चे को निप्पल को ही कैच करके मिल्क सक करना होता है ना, इसलिए निप्पल का साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है वहां पे। सो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीबेशियस ग्रंथि जो अदृश्य होती है गर्भावस्था में हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, निप्पल के चारों ओर ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी हल्की उभरी हुई होती है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इनको ग्लैंड्स ऑफ मॉन्टगोमेरी कहा जाता है, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स, ये इनका नाम है, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। सो ऑप्शंस देखिए क्या क्या लिखा है, स्तन के आकार में वृद्धि, बड़े उभरे तथा गहरे पिगमेंटेड स्तनाग्र, महिला जो कभी लैक्टेटेड नहीं रही उसके ब्रेस्ट से सिक्रेशन स्क्वीज किए जा सकते हैं या उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो क्या है, महिला जो कभी लैक्टेटेड नहीं रही उसके ब्रेस्ट से सिक्रेशन स्क्वीज किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो गलत आंसर आपको ढूंढना है, देखिए ऑक्सीजन उपयोग में कमी आ जाती है, PO2 बढ़ जाता है, PCO2 कम हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, pH में हल्की सी वृद्धि हो जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन उपयोग में कमी आ जाती है, ये गलत आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग यहाँ पे बढ़ जाता है, कम नहीं होता है ना, माता और बच्चे दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ जाता है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गर्भावस्था में ज़िफ़ी स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मध्य में पाया जाने वाला भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र पिगमेंटेड एरिया क्या कहलाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ज़िफ़ी स्टर्नम, यहाँ आपका ज़िफ़ी स्टर्नम है, ज़िफ़ी स्टर्नम से लेके आपके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है लीनिया नाइग्रा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, लीनिया नाइग्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एक्लैम्पशिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक्लैम्पशिया क्या होता है, अगर डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उस लेडी का, तो
तो वहां पे उसको एक्लैम्प्सिया हो सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं जो बोलते हैं ना, तो एक्लैम्प्सिया होके ये होता है। अगर एक्लैम्प्सिया का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है और शॉक हो सकता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। सो नहीं पूछा है इससे, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? तो ऑल ओवर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कहाँ कहाँ वजन बढ़ रहा है, तो करीबन करीबन 11 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अगर महिला स्वस्थ है और गर्भ गर्भ भी स्वस्थ है तो कम से कम 11 किलो का वजन उसका बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? सो कितना बढ़ जाता है, ये आपका 1500 ml, ठीक है, 1.5 लीटर के करीब। यहाँ पे भी हमने लिखा है ब्लड वॉल्यूम 1200 ग्राम लिखा है, तो ये 1.5 लीटर के करीब आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सो क्या क्या बोला गया है, गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन स्तर बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान ग्लोबुलिन स्तर में हल्की सी गिरावट आ जाती है। तो कौन सा कथन सत्य है इसने बोला है, तो गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, तो एल्बुमिन हो चाहे ग्लोबुलिन हो दोनों ही बढ़ते हैं, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन उसका बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला सिक्रेशन क्या कहलाता है? तो ये आई होप सभी को पता होगा, जो पहला दूध आता है माता के स्तन से उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको हर बच्चे को पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ठीक है, तो जो गलत है उसको हमें ढूंढना है। देखो देखिए क्या क्या सब ऑप्शंस में है। गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान हार्ट रेट कम हो जाती है, गर्भावस्था के दौरान वेनस प्रेशर बढ़ जाता है। तो कौन सा सत्य नहीं है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ये सत्य नहीं है, हार्ट रेट भी बढ़ता है। तो गर्भावस्था के दौरान सब कुछ बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, वेनस प्रेशर, सब कुछ बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, हार्ट रेट कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों वृषण कोष में डिसेंड कब तक हो जाते हैं? तो जैसे जैसे फीटस बढ़ता जाता है, ये जो टेस्टिस है ये ऊपर होता है, पहले जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो टेस्टिस भी धीरे धीरे नीचे स्क्रोटम में आने लगता है, ठीक है, तो ये स्क्रोटम में धीरे धीरे आता है और अराउंड 40 सप्ताह के करीब ये आपके स्क्रोटम में आ जाता है। तो ऑप्शन डी 40 सप्ताह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गर्भावस्था के दौरान कौन से अंग में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? तो ऑप्शंस देखिए, गर्भाशय, स्तन, योनि या उपर्युक्त सभी। सो ऑब्वियसली सबको पता है ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। गर्भावस्था के दौरान तीनों ही पार्ट में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ग्राफियन पुट्टिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? सो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है हमारी, वो ग्राफियन फॉलिकल आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से बनती है, ठीक है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होता रहे इसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? इसके लिए चाहिए एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जितनी देर तक सिक्रेशन होता रहता है उतनी देर तक आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेशन होता रहता है। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, एस्ट्रोजन का बैलेंस जब तक मेंटेन होकर रहता है तब तक यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है। जैसे इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, वहां पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है और LH और FSH का सिक्रेशन फिर कम हो जाता है, ठीक है।
आपके ईस्ट्रोजन का लेवल पता बताता है कि कितना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका सिक्रेशन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह या पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? पावर हाउस के रूप में कौन कार्य करती है? प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा से बहुत सारे हॉर्मोन्स आपके सिक्रेशन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखती है। प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता रहता है और ये आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है जब तक प्लेसेंटा बन ना जाए। कॉर्पस ल्यूटियम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन HCG का कार्य क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गर्भावस्था के 1.5 महीने या 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, यह नर भ्रूण को लीडिक कोशिकाओं के टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्टिमुलेट करता है, वैसिको वेजाइना फिस्टुला का निर्माण करता है, या ए तथा बी दोनों? यहाँ पे आपके फिस्टुला का निर्माण ये नहीं करता है HCG, ये ए और बी दोनों काम करता है। ठीक है, गर्भाशय को मेंटेन करने के लिए 1.5 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और क्या करता है, नर भ्रूण जो होता है, फीटस जो होता है, मेल फीटस, उसमें लेडिक सेल बनाने में ये हेल्प करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर सके। ठीक है, तो ये दोनों ही काम आपके HCG करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पर रक्तस्राव का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? रक्तस्राव अगर ब्लीडिंग होने लगे, फुल टर्म प्रेगनेंसी हो गई लेकिन अचानक से ब्लीडिंग होने लगी, तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में अचानक से प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होने लगता है जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का श्रावण होता है। HCG आपका कहाँ से सिक्रेशन होता है? ये आपके प्लेसेंटा के सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल से ये सिक्रेशन होता है। ठीक है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए प्लेसेंटा यहाँ पर है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पाए जाते हैं जिसमें से आपका HCG प्रोडक्शन हो रहा है। और ये HCG आपके बहुत ज्यादा मात्रा में करो, जितना यूज होना है हो जाता है और जो बच जाता है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। और ये यूरिन में जब एक्सक्रीट होने लगता है तब आपके जो किट में यूरिन टेस्ट में आपके पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा बनता है ना, उससे पहले नहीं होता है। तो ये जो HCG यूरिन में आने लगता है ये आपकी उसमें किट में दिखाती है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और ये HCG दो तरह की होती है, अल्फा और बीटा। बीटा वाली जो होती है वो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल गया प्लेसेंटा के बारे में और HCG के बारे में भी। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। HCG की अर्ध आयु कितनी होती है, हाफ लाइफ कितनी होती है, मतलब ये कितना यूटिलाइज होगा, कितने घंटे में एक्सक्रीट हो जाता है? ये होता है 24 घंटे में। एक बार जो आपका बन गया HCG वो 24 घंटे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है, HCG सबसे ज्यादा सिक्रेशन कब होता है? जब बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा तभी खून में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी और यूरिन में भी इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों के मध्य में ये सबसे अधिकतम मात्रा में पहुंचता है। आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। गर्भावस्था के 60 से 70 दिनों के मध्य में ये सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है आपके ब्लड में और यूरिन में। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीक में दिया गया है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। ठीक है, 4 वीक में 1 मंथ बनता है ना। तो ये 8 वीक में 2 मंथ हो गए और तीसरा मंथ शुरू होता है आपके 9th वीक से। तो यहाँ पे जो देखिए 60 से 70 दिन दिया गया है, 30 दिन में 1 महीना होता है ना, तो 60 से 70 दिन मतलब करीबन तीसरे महीने की बात की गई है। तो 9 से 12 यहाँ पर भी देखिए 9 से 12 में सबसे ज्यादा रेंज बताई गई है ना, तो तीसरे महीने से चौथे महीने के बीच में ये सबसे ज्यादा सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा सिक्रीट
नहीं होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है प्लेसेंटा द्वारा? टेस्टोस्टेरोन। बाकी ये जो HCG है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक B1 ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सब आपके प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है? ये आपका जो टेस्टिस है वो सिक्रेट करता है। टेस्टिस मेल्स में पाया जाता है, टेस्टिस ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ये प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता है। यहाँ पे एक लिस्ट भी दी गई है, देखिए प्लेसेंटल हॉर्मोन्स क्या क्या है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG है, HCS है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोट्रोफिन है, प्लेसेंटल लैक्टोजन भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, और क्या क्या है, कोरियोनिक एडेनोकोर्टिकोट्रोफिन है, कोरियोनिक थायरोट्रोफिन है, रिलैक्सिन है, PTHRP, HGHB और हाइपोथैलेमिक लाइक रिलीजिंग हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, GnRH, CRH, CTRH, GHRH, ये कुछ सारे हॉर्मोन्स और पेप्टाइड्स हैं जो आपके प्लेसेंटा द्वारा सिक्रेशन होते हैं। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये आया था, तीन ऑप्शन ये रखे थे, इसके अलावा और भी इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन आपका सिक्रेट नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी के फलस्वरूप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं? सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने से क्या होगा, नर्वस सिस्टम जो बच्चे की बनती है वो सही से नहीं बन पाती है। ये आपके फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए पहले के 3 महीने में फोलिक एसिड लेने को बोला जाता है माता को, क्योंकि पहले के 3 महीने में ही न्यूरल ट्यूब बनती है, आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है ना, तो नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट हो जाएगा अगर आप लोग फोलिक एसिड नहीं लेंगे, ठीक है, तो फोलिक एसिड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है वो कौन है? वो है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन आपका सही आंसर है, ये आपके जो आपका मायोमेट्रियम होता है उसको ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम करता है या राइपन करता है वो हार्मोन कौन है? वो भी आपका ईस्ट्रोजन ही है, ठीक है, ईस्ट्रोजन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है? तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन में बाह्य यानी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में कौन आता है? क्लाइटोरिस आता है, ठीक है। ओवरी और यूट्रस आपकी बॉडी के अंदर होता है, ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लेकिन क्लाइटोरिस जो होता है ये बाहर होता है और ये एक्सटर्नल ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ हॉर्मोन्स यहाँ पे दिए गए हैं जो क्या करते हैं, उनका फंक्शन लिखा गया है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूटरन लाइनिंग को मेंटेन करता है और यूटरन कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है, है ना। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये भी यूटरन लाइनिंग को मेंटेन करता है और मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। प्लेसेंटल लैक्टोजन का फंक्शन क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फीटस को एनर्जी सप्लाई करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन RP ये क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। रिलैक्सिन क्या करता है, ये सर्विक्स को सॉफ्ट करता है और वीक करता है आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस को, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस वीक होगी तभी बच्चे का सर वहां से बाहर आ पाएगा, है ना। और क्या करता है, आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को स्टिमुलेट करता है और पार्चुरेशन को स्टिमुलेट करता है, आपका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स यहाँ पे बताए गए हैं, इनके फंक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था में प्राइमिंग ग्रेविटा को होने वाला मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है? हाइपरटेंसिव मतलब जहाँ पे BP बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो BP अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्राइमिंग ग्रेविटा मतलब पहला बच्चा है उसका, उसका BP बहुत बढ़ा हुआ है, तो क्या हो सकता है, माइल्ड प्री एक्लैम्पसिया हो सकता है। सो माइल्ड प्री एक्लैम्पसिया आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो ब्रेस्ट जो होती है, ये जो लोब्यूल्स इसमें होती है, ये किस ग्रंथि की मॉडिफिकेशन होती है, मतलब नॉर्मली जो स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारी,
ये स्वेट ग्लैंड से ही बनी होती है। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है, उसमें चेंजेस आके ब्रेस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। गर्भावस्था की वह समयावधि जिसमें प्रथम तिमाही कहा जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप किसे बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम लोग प्रथम 12 सप्ताह को। तो 1 से लेके 12 सप्ताह तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने आते हैं और 1 से लेके 12 सप्ताह तक का समय आता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी 3 महीने आते हैं और 13 से लेके 27 सप्ताह तक का वक्त आता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 3 महीने रहते हैं जिसमें 28 से लेके 40 सप्ताह तक का वक्त रहता है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आई थिंक वही है। गर्भावस्था की अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जानी जाती है, ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 13 से 28 सप्ताह तक। ठीक है, और 52 देखिए, गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है वो है आपका 40 सप्ताह तक। ठीक है, 29 से 40 सप्ताह, तो कहीं कहीं थोड़ा सा 28 सप्ताह 29 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, वो चलेगा। ठीक है, वो गलत नहीं है। सो 29 से 40 सप्ताह तक आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? सो टोटल जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है? सो यहाँ पे एक व्हील दी गई है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसमें मंथ बताया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो इसके हिसाब से आपके 9 महीने हो रहे हैं ना, 9 महीने, और उसमें कुछ दिन और रहता है, 10 दिन आगे पीछे रहता है। सो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, देखिए 10 लूनर महीने, 28 दिन का महीना एक हो तो 10 लूनर महीने उसको बोला जाता है, 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन। ठीक, कैलेंडर महीने में 30 दिन वाले, 31 दिन वाले महीने भी आते हैं, तो उनको अगर मिलाया जाए तो उसमें 7 दिन आपको मिलाना है। 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन, 280 दिन या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है, तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है, तो जेस्टेशनल एज मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है कितने महीने का है, कितने दिन का है, ये आप कौन से डे से काउंट करेंगे? तो ये आप काउंट करेंगे LMP, इसको बोला जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था। हम लोग पूछते हैं पेशेंट को, है ना, तो वो डेट बताती है कौन से डेट में उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था। सो अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से हमें इसको काउंट करना है, लास्ट जो उसका पीरियड्स आया होगा उसके फर्स्ट डे से हम लोग जेस्टेशनल एज को गिनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं होता है? सो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं उसमें एमेनोरिया, एमेनोरिया मींस उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह जब उठेगी तो तबीयत खराब लगेगी उसको, क्विकनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बहुत ज्यादा उसको यूरिनेशन होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। लेकिन जो क्विकनिंग है ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को नहीं मिलेगी। क्विकनिंग क्या होती है? बच्चा यूट्रस के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ये माता को पता चलता है, इसको क्विकनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले 3 महीने में कुछ भी नहीं पता चलता उसके अंदर कुछ हो रहा है करके। सो क्विकनिंग आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देखने को, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है। मासिक धर्म यानी जो मंथली साइकिल होता है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर वो ना हो, अनुपस्थिति बिल्कुल ही ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेनोरिया। ओके, ये और भी यहाँ पे दिए हैं, देखो देखिए, मेनार्क मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मेनार्क बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा बंद हो जाता है उसको मेनोपोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई किसी का मासिक धर्म नहीं हो रहा हो उस कंडीशन को हम लोग अमेनोरिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? नहीं पूछा है इसने। सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, सर्विक्स मुंह के होंठों की तरह फील होती है, सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है,
सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। सो ऑप्शन डी आपका नहीं होता है, सर्विक्स नाक के टिप की तरह फील नहीं होती है। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर नाक के टिप की तरह फील हो रही है नाक के, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार कितना बड़ा हो जाता है? तो ये हो जाता है भ्रूण के सिर के समान हो जाता है। 12 सप्ताह यानी ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है, तो 3 महीने के अंदर ये भ्रूण का सिर जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उसका गर्भाशय या यूट्रस भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर होता है? तो फीमेल पेल्विस का, यहाँ पे देखिए एक फोटो भी है आपकी फीमेल पेल्विस की, इसका सबसे ज्यादा या बड़ा डायमीटर कौन सा होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि 13 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, सो ट्रांसवर्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इंट्रा यूटराइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? तो कौन सी एज में किडनी आपका मूत्र बनाने लगती है? 12 सप्ताह पर, 12 वीक्स, यानी करीबन 3 महीने के बाद आपका जो किडनी है वो एक्टिव हो जाता है और वो यूरिन का फॉर्मेशन करने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। गर्भाशय में सर्विक्स का मुलायम हो जाना कहलाता है। तो गर्भावस्था में अगर सर्विक्स सॉफ्ट हो जा रही है तो इसको कौन सा साइन बोलते हैं? इसको गुडल साइन बोलते हैं। तो गुडल साइन आपका सही आंसर है, ये आपका गुडल साइन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? तो गर्भावस्था का लक्षण में चैडविक साइन, हीगर साइन, गुडल साइन सब देखने को मिलता है, लेकिन ब्रुडजिंग की साइन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लक्षण नहीं है इसने पूछा है। सो ब्रुडजिंग की साइन जो होता है वो आपके मेनिनजाइटिस के केस में देखने को मिलता है। सो ये गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। यहाँ पर राइट साइड में आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं कैसे एग्जामिन किया जा रहा है। तो सर्विक्स अगर सॉफ्ट हो जाए उसको हम लोग गुडल साइन बोलते हैं, और ये यूट्रस का लोअर पोर्शन अगर सॉफ्ट हो जाए इसको हम लोग हेगर साइन बोलते हैं। दोनों ही यहाँ पे लिखा है। तो हेगर साइन आपके यूट्रस का लोअर पोर्शन सॉफ्टनिंग कहलाता है और गुडल साइन आपके सर्विक्स का सॉफ्टनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर सर्विक्स का सॉफ्टनिंग पूछा जा रहा है तो उसको होगा गुडल साइन, और अगर लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस का सॉफ्टनिंग पूछा जा रहा है तो वो होगा हेगर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। तो किसका महत्वपूर्ण लक्षण है ये? HCG अगर मूत्र में उपस्थित है तो ऑब्वियसली गर्भावस्था का ये महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन सी गर्भावस्था आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा एक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है? तो एलिसा टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे और फ्लोरो इम्यूनो एसे। यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिसमें बेनेडिक टेस्ट आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है। एलिसा टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे और फ्लोरो इम्यूनो एसे आप लोग कर सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, सो बेनेडिक टेस्ट आपका यहाँ पे आंसर है क्योंकि नहीं पूछा गया है। और हम लोग नॉर्मली जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट में, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो किट टेस्ट में ये आपकी ऐसे किट आती है, अगर इसमें एक लाइन पॉजिटिव आए, सिर्फ सी वाली पॉजिटिव आए, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती। अगर दोनों लाइन पॉजिटिव आए, सी और टी दोनों, तो इसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। डिलीवरी के बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए दी जाती है? सो लैक्टेशन को कम करने के लिए आप कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं? देखिए, ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन या उपर्युक्त सभी। सो सप्रेस कराना है, अगर बंद कराना है, कम कराना है, तो उपर्युक्त सभी, ये सारे मेडिसिन आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्रा डेसिडुअल जेस्टेशन सैक का सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो कितने दिन में ये आइडेंटिफाई हो सकता है जेस्टेशन सैक? जेस्टेशन के 29 से 35 दिन तक, यानी
करीबन करीबन एक महीना जब तक कंप्लीट हो जाए तब आपको जेस्टेशन सैक देखने को मिलेगा, जो कि यूएसजी में आपको पता चलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी आपकी यूएसजी होती है। सो यहाँ पे एक डायग्राम है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर आपको ये जेस्टेशन सैक दिख रही होगी और इसके अंदर एक छोटा सा यॉक सैक दिख रहा है जो बता रहा है कि यहाँ पे आपका बेबी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जेस्टेशन सैक आपकी इतनी बड़ी है, इसको इसका डायमीटर लेके पता करते हैं कि कितने वीक का है, कितने दिन का ये हो गया है, ठीक। तो करीबन 29th डे से 35th डे के अंदर, यानी एक महीने के टाइम के अंदर आप लोग फर्स्ट जेस्टेशनल सैक पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी क्विकनिंग देखने को मिलती है। क्विकनिंग क्या होती है, बेबी का जो मूवमेंट होता है वो आपको बाहर से फील होता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेबी का फुट नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेबी हाथ पैर चलाता है पेट के अंदर, तो वो आपके बाहरी सरफेस पे जब आप टच करेंगे तो आपको फील होगा। इसको क्विकनिंग बोली जाती है, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा फील होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला द्वारा महसूस किए जाने वाले एक्टिव फीटल मूवमेंट को क्या कहा जाता है। इसको क्विकनिंग कहा जाता है, ये क्विकनिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो 18 से 20 सप्ताह जब होने लगता है आपका, 4.5 महीने से 5 महीने के अंदर क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है, बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो माँ फील कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं। सो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ही स्टार्ट हो जाते हैं, हल्का हल्का यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान ही आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट कितनी होती है। 16 सप्ताह 16 वीक्स में यूट्रस की हाइट आपकी कितनी होती है, सिंफाइसिस प्यूबिस तथा अम्बिलिकस के बीच या मिडवे में ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यूट्रस का ग्रोथ कैसे हो रहा है। सो 12 वीक्स में जस्ट फंडस प्यूबिक बोन के ऊपर आया होता है, यहाँ पे ये आपका अम्बिलिकस है और ये बीच का लाइन है जो 14 से 16 वीक में पहुंचता है। देन ऊपर यहाँ पे ये है आपका सिफिस्टर्नम, जहाँ तक ये बढ़ते बढ़ते जाता है 32 सप्ताह 36 सप्ताह तक ये यहाँ तक पहुंचता है। उसके बाद ये फिर क्या होता है, फिर ये डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बेबी का जो सर है वो नीचे खिसक जाता है और खिसकने की वजह से ऊपर का जो लेवल है ये डिक्रीज होके नीचे थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो 40 वीक में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। सो 16 वीक में ये सिंफाइसिस प्यूबिस तथा अम्बिलिकस के बीच में आपको देखने को मिलेगा यूट्रस का हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, 24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भाशय की फंडल हाइट कितनी होती है। तो ये अम्बिलिकस तक होती है 24 वीक्स में, अम्बिलिकस के लेवल पर सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। सर्विक्स के डायलेशन में सहायक करता है, प्रसव के दौरान बर्थ कैनल को फ्लश करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही फंक्शन आपके एमनियोटिक फ्लूइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, फीटल पार्ट्स को सर्वप्रथम पैल्पेट किया जा सकता है। तो फीटल पार्ट्स को आप कौन से कितने दिन में पैल्पेट कर सकते हैं, कौन से सप्ताह में पैल्पेट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप फीटल पार्ट्स को पैल्पेट कर सकते हैं। सो द्वितीय तिमाही में या 20 सप्ताह में आप इसको पैल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैल्पेट मतलब आप छू के पता कर सकते हैं फीटल पार्ट्स कहाँ पर क्या क्या पार्ट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, क्विकनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलता है, फंडल हाइट का एंसीफॉर्म कैटलिज पर होना नहीं, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचता है एंसीफॉर्म कैटलिज तक। सो ये आपका
सही आंसर होगा नहीं पूछा गया है ना। मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स और फीटल हार्ट साउंड आप डिटेक्ट कर सकते हो सेकंड ट्राइमेस्टर में, लेकिन फंडल हाइट एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक नहीं पहुंचती है, इसलिए ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, जो आपका बेबी है उसका हेड एंगेज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या करता होता है कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है बच्चा। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया समझने के लिए। तो ये बेबी अभी ऊपर है ना, जब इसका हेड एंगेज हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब पेल्विस के अंदर आ जाता है जब ये एंगेज हो जाता है, और ऊपर से थोड़ा सा नीचे की ओर ये डिसेंड कर जाता है। इसीलिए 32 सप्ताह में जो ज़िफिस टर्नम तक जो पहुंच रहा था फंडल हाइट, वो 36 सप्ताह आते आते थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि बेबी का हेड आपके पेल्विस के अंदर एंगेज हो जाता है। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट हो जाना, एंगेजमेंट की वजह से ही फंडल हाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटराइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है? अगर इंट्रायूटराइन में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन, जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदयगत बीमारियां, मोतियाबिंद या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, इन तीनों में से कोई भी बीमारी उसको हो सकती है, बच्चे को बहरापन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, या मोतियाबिंद भी डेवलप कर सकता है बच्चे में अगर रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। फीटस के लॉन्ग एक्सेस का सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के लॉन्ग एक्सेस के साथ रिलेशन को कहा जाता है लाई। लाई ठीक है, तो लाई मतलब कैसे बच्चा यूट्रस में मौजूद है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस किस तरह से है, तो उसको आप लाई बोलेंगे। ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, या फिर वर्टिकल लाई हो सकता है, या ऑब्लिक लाई हो सकता है, इस तरह से बच्चा हो सकता है यूट्रस में, ठीक है, तो ये आपकी लाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। फीटस का वह पार्ट जो गर्भाशय के लोअर पोल में स्थित होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्रेजेंटेशन। गर्भाशय के लोअर पोल में यानी नीचे की ओर जो पार्ट उसका दिखता है, जो पार्ट सबसे पहले निकलेगा आपके डिलीवरी के टाइम पे, उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो फीटस का प्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बीच प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, कौन सा पार्ट उसका नीचे की ओर है, तो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। यहाँ पे ट्रांसवर्स लाई है, देखिए बच्चा इस तरह से आपका मौजूद है यूट्रस में, इसको ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं। और कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर उसका प्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए शोल्डर प्रेजेंटेशन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो लाई और प्रेजेंटेशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 50 से 55 साल की उम्र पर मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है। तो जब 50-55 साल का हो जाती है फीमेल, तो उसके बाद उसका जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है ये, सब में पाया जाता है ये, ठीक है, तो मेनोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई होती है, तो कॉमनेस्ट लाई इसकी क्या होती है, किस डायरेक्शन में ये रहता है बच्चा, ये लॉन्गिट्यूडनल लाई में रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाई आपका ये वाला पोजिशन है जिसमें बच्चा हेड डाउन पोजीशन में रहता है, नॉर्मली पाया जाता है, और इस तरह से पैर ऊपर और सर नीचे, इसी तरह से बच्चा पाया जाता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है? तो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इसका क्या है, मानव भ्रूण का सबसे कॉमन है इसका सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। सर इसका नीचे रहता है मोस्टली, बहुत ज्यादातर केसेस में सर ही नीचे पाया जाता है, तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन आपका सही आंसर है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाई और सेफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे
कॉमन लाई और सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी कंडीशन भारत में मातृ मृत्यु दर MMR का मोस्ट कॉमन कारण है? सो हीमोरेज की वजह से काफी सारे माताओं की मृत्यु हो जाती है उसके दौरान, डिलीवरी के दौरान। सो हीमोरेज आपका सही आंसर है, हीमोरेज हो जाता है और बहुत ब्लीडिंग हो जाती है और माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया में हीमोरेज सबसे कॉमन कारण है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अपने चैनल में डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। प्रसूति परीक्षण में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, ऑसिपिटल अस्थि तथा दोनों पेरिएटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर क्या कहलाता है? ये भी हम लोगों ने फीटल स्कल वाले चैप्टर में डिस्कस किया है एकदम डिटेल में, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, फीटल स्कल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑसिपिटल अस्थि कहाँ होती है? पीछे होती है, ओके। ऑसिपिटल अस्थि और आपकी कौन सी है, पैराइटल अस्थि। सो पैराइटल अस्थि ये है और ये है, दो पैराइटल बोन्स होती है और एक ऑसिपिटल बोन होती है। इसको कौन सा सूचर अलग कर रहा है? देखिए इसको लैम्बर्ट सूचर अलग कर रहा है, ये जो आपकी सिलाई जैसे स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सूचर बोलते हैं, ठीक है। सो लैम्बर्ट स्ट्रक्चर सूचर इसको अलग कर रहा है। सो यहाँ पे काफी सारे सूचर्स आप लोग फीटल स्कल में देख सकते हैं, हम लोगों के स्कल में भी होते हैं। सेजिटल सूचर है ये बीच वाला, आगे का है कोरोनल सूचर इधर, ठीक है, और ये है दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में मेट्रोपिक सूचर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको एंटीरियर फोंटानेल बोलते हैं। बच्चों के सर पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये फील होगा एंटीरियर फोंटानेल, और पीछे होता है पोस्टीरियर फोंटानेल, जो गैप रह जाता है सूचर के बीच में उसको फोंटानेल बोला जाता है। तो ये आप लोग फीटल स्कल वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ये सब सूचर और फोंटानेल वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, सेजिटल सूचर को लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहा जाता है। कहाँ पे सेजिटल सूचर? ये सेजिटल सूचर है, सो इसको लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहा जाता है, सही है। ऑप्शन बी देखिए, सेजिटल सूचर दो पैराइटल बोन के मध्य स्थित होता है। सो ये पैराइटल बोन है, ये भी पैराइटल बोन है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कोरोनल सूचर पैराइटल तथा ऑसिपिटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है। नहीं, ऑसिपिटल अस्थि ये पीछे वाली है, यहाँ पे जो है ये है लैम्बर्ट सूचर, कोरोनल सूचर आपका पैराइटल और फ्रंटल के बीच में होता है। सो ये आपका गलत आंसर है ना, असत्य ढूंढना है ना हमें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। उसके बाद वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्रंटल सूचर दो फ्रंटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है। सो फ्रंटल सूचर या मेट्रोपिक सूचर भी इसको बोलते हैं, दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में ये होता है, ठीक है। सो ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, एंटीरियर फोंटानेल का निर्माण करने वाले सूचर्स कौन कौन से हैं? तो एंटीरियर फोंटानेल जो सामने की ओर होता है, ये है आपका एंटीरियर फोंटानेल। सो इसको आपका फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सेजिटल सूचर मिलके बनाते हैं, ठीक है। फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सेजिटल सूचर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा है, देखिए आगे की ओर होता है फ्रंटल सूचर, पीछे की और सेजिटल सूचर तथा कोरोनल सूचर दोनों तरफ होता है। सो ये मिलके एंटीरियर फोंटानेल बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य में पोस्टीरियर फोंटानेल का निर्माण किन सूचर से होता है? तो ये देखिए पोस्टीरियर फोंटानेल कहाँ है, यहाँ ये छोटा सा है पोस्टीरियर फोंटानेल। सो सेजिटल सूचर, लैम्बर्ट सूचर, ये मिलके आपके पोस्टीरियर फोंटानेल बनाते हैं। सो इसका क्या होगा, आगे की ओर सेजिटल सूचर तथा लैम्बर्ट सूचर दोनों तरफ। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, मानव भ्रूण की खोपड़ी का सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर लगभग कितना होता है? सो यहाँ पे फीटल स्कल जो होती है उसका अलग अलग डायमीटर बताया गया, जैसे ये है सब मेंटो ब्रेगमेटिक, वर्टिकोमेंटल डायमीटर, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। सो यहाँ पे आपका पूछा गया सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। सो ब्रेगमा से लेके आपका ऑसिपिटल जो आपकी बोन होती है वहां तक ये कितना डायमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 9.5 सेंटीमीटर लिखा
करता है, सो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, RHD इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो RHD का जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये RH इनकम्पेटिबिलिटी में लगाया जाता है, जहाँ पे माता और शिशु का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे होता है, अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होने का डर रहता है और ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो इसको फीटो मैटरनल ब्लीड के 72 घंटे के अंदर इसको लगाना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ह्यूमन फीटल स्कल में ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर लगभग कितना होता है। सो ऑसिपिटो और फ्रंटल, राइट, ऑसिपिटो पीछे का ये पोर्शन है ऑसिपिटो आपका, और फ्रंटल है आपका ये वाला पोर्शन। तो ये डायमीटर आपकी कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए 11.5 दिया है, ये भी सही आंसर है। सो 11.5 सेंटीमीटर आपकी होती है ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिजीज हाईली कॉन्टेजियस होती है। तो कौन सा वो डिजीज है जो सबसे ज्यादा कॉन्टेजियस, सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है, वो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, HSV, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सबसे ज्यादा जल्दी ये फैल जाता है, कॉन्टेजियस होता है बहुत ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मानव भ्रूण के स्कल में वह डायमीटर जो गर्दन के नेप से ब्रेग्मा के केंद्र तक स्थित होता है, उसको क्या बोला जाता है। तो गर्दन के नेप से यानी गर्दन के नीचे से, यहाँ से, ठीक, तो गर्दन की नेप ये है, यहाँ से लेके ब्रेग्मा तक, ब्रेग्मा आपका यहाँ होता है ब्रेग्मा, ठीक, तो यहाँ तक ये जो डायमीटर होती है 9.5 सेंटीमीटर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो डायमीटर है इसको क्या बोला जाता है, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, ठीक है। कहाँ लिखा है देखिए, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना कहलाता है। तो मासिक धर्म यानी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान जो दर्द होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको डिसमेनोरिया कहा जाता है। कुछ 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 पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, सभी में नहीं मिलता, बहुत ही हल्का दर्द होना नॉर्मल होता है, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो उसको डिसमेनोरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायमीटर कौन सी होती है। सो हाईएस्ट डायमीटर कौन सी होती है आपकी, वो होती है मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। सो ये यहाँ से आपकी स्टार्ट करके यहाँ तक वर्टिकोमेंटल ये लिखा है, सो ये आपकी होती है 13.5 सेंटीमीटर। सो मेंटो वर्टिकल या वर्टिकोमेंटल दोनों ही सही होगा, ये डायमीटर आपकी सबसे ज्यादा होती है, बाकी आप लोग देखिए 9.5, 11 ये सब इससे कम ही है, सो 13.5 सेंटीमीटर आपकी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, मानव भ्रूण के स्कल में वह डायमीटर जो चिन्ह के मध्य बिंदु से सैजिटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये वही डायमीटर है चिन्ह के मध्य बिंदु से, मेंटो ये स्टार्ट हुआ, और वर्टिकल ये आपकी जो वर्टेक्स होती है उसके केंद्र बिंदु तक ये जाती है, तो इसको वर्टिकोमेंटल या मेंटो वर्टिकल डायमीटर कहा जाता है। ये मेंटो वर्टिकल डायमीटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 96, प्रसव के दौरान जन्म मार्ग से गुजरते समय भ्रूण के सिर की जो शेप होती है वो परिवर्तन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है मोल्डिंग, ठीक है। सो मोल्डिंग में क्या होता है, हमारे जो स्कल की बोन्स होती है ये फ्लैट बोन्स होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, और इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जो फीटल स्कल होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, वो स्कल बोन्स अलग अलग होती है, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जब ये पेल्विक के अंदर से होता हुआ बाहर निकलता है तो वो क्या करती है, वो सारी हड्डियां आपस में थोड़ा सा एडजस्ट करती है, वो स्पेस में थोड़ी सी हड्डी क्या करती है, वो स्पेस कम हो जाता है और हड्डी ओवरलैप करती है, तो ये इस तरह से थोड़ी सी होती है, ये आप नीचे जो फोटोज देख रहे हैं एक हड्डी दूसरे हड्डी पे ओवरलैप कर जाती है, लेकिन जन्म के बाद थोड़े समय बाद या 24 घंटे के अंदर ये फिर से नॉर्मल भी हो जाता है, तो इसको मोल्डिंग कहा जाता है। ये
स्पेशली डिजाइन किया होता है कि बर्थ के टाइम पे थोड़ा सा स्पेस रखा होता है तो वो हड्डियां एडजस्ट करके बाहर निकल आता है सर। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को मोल्डिंग कहा जाता है, जिससे कि जो डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आराम से बेबी का हेड बाहर निकल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, आईयूडी लगाने की कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, आईयूडी लगाने के बाद क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो रक्तस्राव होना सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है इसका। आईयूडी क्या होता है, इंट्रायूटरिन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो लगाई जाती है, कॉपर टी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, तो उसको आईयूडी बोलते हैं। सो ब्लीडिंग होना सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ट्रू पेल्विस के भाग है। ट्रू पेल्विस आपका किससे बनता है, इनलेट आउटलेट तथा कैविटी। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ऊपर का ये जो पोर्शन है ये फॉल्स पेल्विस है जो आपको बहुत ही ब्रॉड नजर आता है, लेकिन एक्चुअल जो पेल्विस ट्रू पेल्विस होती है वो इनलेट और आउटलेट के बीच की ये जो कैविटी है इससे बनती है। ठीक है, इनलेट से शुरू करके कैविटी और आउटलेट तक ये आपकी ट्रू पेल्विस कहलाती है, क्योंकि इसी के अंदर ही सबसे ज्यादा जो हेड का पोजीशन चेंज करके बाहर निकलना होता है वो इसी पोर्शन में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट यहीं पे होती है, तो इसको ट्रू पेल्विस कही जाती है। और ट्रू पेल्विस के डायमीटर अगर हेड के डायमीटर से कम हो तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे LSCS करना पड़ता है फिर। तो इसलिए ट्रू पेल्विस जो इनलेट और आउटलेट है वो डायमीटर आपको सही से पता होना चाहिए। यहाँ नीचे वाली पिक में भी आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर का पोर्शन फॉल्स पेल्विस है और यहाँ से इनलेट से नीचे का जो पोर्शन है वो ट्रू पेल्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, सबसे पहले पार्टोग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राफ आपके जो डिलीवरी के दौरान लेबर पेन के दौरान जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जैसे सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है, फीटल हेड डिसेंड हो रहा है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फीटल हार्ट रेट कैसी है, मेम्ब्रेन और लीकर का जो कंडीशन है वो कैसा है, अगर आप उसको एक ग्राफिकल मोड पे रिकॉर्ड करें, ठीक है, माता का पल्स बीपी टेम्परेचर वगैरह भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है क्या क्या चीजें आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ग्राफ पे। अगर आप इसको ग्राफ पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसको हम लोग पार्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, पार्टम के दौरान या जो लेबर पेन हो रहा है, डिलीवरी हो रही है बच्चे की, उसके दौरान जो ग्राफ आप रिकॉर्ड करते हो अलग अलग चीजों को लेके, उसको पार्टोग्राफ बोला जाता है। तो ये सबसे पहले किसने निर्माण किया था, डॉक्टर आर एच फिलपोटर। ठीक है, डॉक्टर आर एच फिलपोटर ने ये निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है। सो मानव पेल्विस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 55 डिग्री। 55 डिग्री आप लोग याद रखिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे की क्लासेस में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, मिडवाइफरी के, प्रसूति विज्ञान के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और प्रसूति विज्ञान की जो डिस्क्रिप्शन वाली क्लासेस हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रसूति विज्ञान के अंडर जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो आप लोग जरूर देखिए, उसमें डिटेल में सारी क्लासेस डिस्क्राइब की गई हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के टाइम पे वो भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोग उसको भूल ना जाओ। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।